हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग एंड दिस इज राहुल। अभी मैं जिम आया हुआ हूँ। आई मूव्ड फ्रॉम नवी मुंबई टू दिल्ली एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ जिम फ्रॉम लास्ट टू वीक्स। आई फाइनली एबल टू जॉइन अ जिम क्लोज टू माय प्लेस। प्रीटी गुड, नो क्राउड, लाइक नॉट मच क्राउड एट द मोमेंट। सो सारे इक्विपमेंट खाली मिल जाते हैं बिकॉज दिल्ली में इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ गुड जिम विच इज़ not that crowded as well as that has proper equipments and you know it's cleaner, because maine bahut si gym dekhi but it didn't work out in terms of cleanliness because most of them are not that clean and it was fully packed. So I finally able to get a gym close to my place which is called Thrive Gym. Pretty good actually. The time I go I think there is 2 or 3 people there. So it's not bad. Let's do the workout and catch you guys soon. So after gym, I went home, prepare myself some breakfast, and then plan tha apne cousin se milne ka. Gym khatam. I prepared myself an avocado sandwich. Nothing special. Same onion, tomato, capsicum, and little bit of chilies. फटाफट ब्रेकफास्ट करने के बाद प्लान था कज़न से मिलने का एंड देन आई गॉट रेडी वेंट टू माय कज़न प्लेस एंड दिस इज वन ऑफ माय कज़न नमन। ही वाज आफ्टर मी टीटी खेलने के लिए एंड वो लगा रहा और हम नहीं गए। देन आई हैड अ प्लान टू वेंट टू माय फ्रेंड्स प्लेस। ही गॉट अ न्यू प्लेस, अ फार्म हाउस विच वॉज प्रीटी ह्यूज। थोड़ा वहाँ पे चिल करने के बाद वी थॉट वी शुड हैव बारबेक्यू, सो वी हैड बारबेक्यू एट हिज प्लेस। आज हम पिएंगे बिल सरी, वाह क्या बात है। आफ्टर हैविंग सच अ गुड मील एंड बिलसरी, हम अपने स्कूल की बातों में फिर से इतना इन्वॉल्व हो गए कि टाइम का पता नहीं चला एंड इट वॉज अ गुड नाइट। दिस व्लॉग इज वेरी स्मॉल बिकॉज आई हैवन गॉट एनी चांस टू गो आउट बिकॉज दिल्ली में इतनी गर्मी है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।